छत्तीसगढ़ के गुवाहाटी में आज खेल नवा जीवन लिए जाते हैं। मैं माननीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री आदरणीय श्री उमेश पटेल जी, अपर मुख्य सचिव श्रीमती रेणु पिल्ले जी, सचिव नीलम नामदेव एक्का जी और संचालक श्वेता सिन्हा मैडम से अनुरोध करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी और अभ्यागत सभी अतिथि मल्ला स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे, कष्ट करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी और अभ्यागत अतिथिगण के प्रति आभार ज्ञापित करने के बाद मैं आमंत्रित करता हूँ श्री नीलम नामदेव एक्का जी, सचिव छत्तीसगढ़ शासन खेल एवं युवा कल्याण विभाग। छत्तीसगढ़ या ओलंपिक कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय खेल मंत्री श्री उमेश पटेल जी, मंचस्थ सभी अतिथिगण, मैं आप सभी का बहुमूल्य समय इस कार्यक्रम के प्रदान करने के लिए आपका आभार प्रदर्शित करता हूं। और जितने खिलाड़ी यहां आए हैं सभी ने कोई ना कोई खेला होगा, मैं उत्साह है आप सबकी उपस्थिति के लिए मैं आप सभी का भी आभार प्रदर्शित करता हूं, मीडिया के साथियों का आभार प्रदर्शित करता हूं। उसके साथ ही यहां जो भी व्यवस्थाएं संभाल रहे हैं, मैं सभी पुलिस कर्मियों का और बाकी सभी जनों का विभाग की ओर से आभार प्रदर्शित करता हूं। धन्यवाद, जय हिंद। अमर खिलाड़ी बन के खेल शुरू हो गए। मैं सभी अतिथि मंच से भी अनुरोध कर रही हूँ, अमर एक खिलाड़ी बन के बीच पहुंच के होकर उत्साह वर्धन जरूर करेगा। लंबू पकड़ो ना, पकड़ लेना मेरा।
बात है। सब खेल मन के उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं वो जगह में कही और पिठूल और भौरा लखूद भी खेली उधर भी आप मन जरूर लिया। छत्तीसगढ़ ओलंपिक की शुरुआत अभी 9 दिन तक के नवरात्रि सादे नवरात्रि सब लोगों ने मनाया। माँ जगदम्बे को दुर्गा की आराधना, उसके बाद कल दशहरा जिसमें सब रावण दहन किए और आज छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत यहाँ रायपुर इंडोर स्टेडियम से शुरू हम लोग किए। सारे मंत्री यहाँ उपस्थित हैं। आज स्वामी आत्मानंद जी की भी जयंती है, मैं उन्हें भी नमन करता हूँ। और छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत जिसमें अनेक प्रकार के खेल का आयोजन किया जा रहा है जो गांव में खेलते हैं, चाहे कबड्डी हो, खो खो हो, रस्सी खींच हो, चाहे पिट्ठू हो, कंचा हो, चाहे सांखली हो, बहुत प्रकार के खेल हम लोग सब खेलते रहते हैं। उसके नियम बने हुए हैं और उसमें एकल और समूह दोनों प्रकार के मैच होंगे और वो राजीव मैदान क्लब स्तर का होगा, फिर उसके बाद क्लस्टर में होगा, फिर ब्लॉक स्तरीय, जिला स्तरीय, समाज स्तरीय, फिर प्रदेश स्तरीय, इस प्रकार से आयोजन होंगे और इसमें इनाम भी रखा गया है। गंगरेल में संकल्प रैली है कुछ किस तरीके से होती है और फिर कांग्रेस के नेता ये भी कह रहे हैं कि अगर कुछ तरीके से होती तो कुछ षड्यंत्र की बात को, अब उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। वो चाहे वो ओपन में करे चाहे वो बंद कमरे में करे लेकिन वो सफल नहीं होंगे, ये मुझे पता है। सर छोटा सा सवाल है, आप कौन से खेल में पारंगत? हम लोग तो सभी प्रकार के खेल खेलते थे, जितने खेल अभी इसमें रखे गए हैं सब गांव में है, वो इस प्रकार से खेल तो खेलते ही रहे। आज गोधन न्याय योजना की राशि जिसे मंत्री जी और नगरीय प्रशासन और गृह मंत्री जी भी विशेष रूप से उपस्थित थे और करीब 5 करोड़ से अधिक राशि वितरित की गई है। गौपालकों की संख्या भी जो गोबर विक्रेता की संख्या है उसमें काफी वृद्धि हुई है और उसी प्रकार से वर्मी कंपोस्ट करने वाले किसानों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। इस तस्वीरों में अब आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, खेल ओलंपिक की शुरुआत उन्होंने कर दी है और अब वे प्रतिभागियों की ओर बढ़ रहे हैं। तमाम प्रतिभागियों से वे मुलाकात करेंगे और मुलाकात करने के पश्चात उनके साथ वे उसमें हिस्सा भी लेते नजर आएंगे, यानी कि खेल का एक हिस्सा बनते भी मुख्यमंत्री यहाँ नजर आएंगे। और ये तस्वीरों में अब आप देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वयं खिलाड़ियों से यहाँ पे मिलने पहुँच रहे हैं। ये देखिए तमाम खिलाड़ियों से वे यहाँ पे मुलाकात करेंगे और हम भी चलते हैं सीधे उसी मंच पे जहाँ पे मुख्यमंत्री तमाम प्रतिभागियों से मुलाकात करते हुए नजर भी आ रहे हैं। यहाँ पे मुलाकात करने के लिए वे पहुँचे हुए हैं और ये देखिए सीधे उन प्रतिभागियों से चर्चा करते हुए खेल ओलंपिक किस प्रकार से संचालित हो रहा है, वो किस खिलाड़ी हैं, किस क्षेत्र के